हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को पता होगा, अनलॉक टूल ने कल 11 तारीख में अपडेट दिया है, ओप्पो क्वालकॉम गेम ओवर। ओप्पो क्वालकॉम के बहुत सारे मॉडल ऐड कर दिए कल के अपडेट में। इससे पहले लोडर लीक हुआ था, उसके वीडियो मैंने बना दिया था, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे UMT से भी अनलॉक कर रहे थे सब लोग, तो अब UMT वगैरह की ज़रूरत नहीं। अभी UMT में अपडेट वैसे नहीं आया ऑफिशियली, लेकिन लोडर के ज़रिए आप कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे होम स्क्रीन पे ओप्पो A53, A74, F19, F19S, F17, A33, A32, A73, Reno 6 लाइट, Realme 7i। ये बिग अपडेट है जो कि ओप्पो क्वालकॉम का इन्होंने दिया है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले समय में ओप्पो के सारे क्वालकॉम के अपडेट आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपडेट दिया था EME टूल ने, फिर अनलॉक टूल ने, TFM टूल वगैरह वगैरह, दो तीन चार टूल में अपडेट आ चुका है। बाकी मेरिकल UMT वगैरह जो है उसमें अभी अपडेट नहीं आया हुआ है, लेकिन आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 2-4-5 दिन में उसमें भी अपडेट आ जाएगा। कोई भी टूल आपके पास हो, आप ये मत सोचा करो कि अपडेट नहीं आया, किसी में जल्दी आ जाता है, किसी में थोड़ा लेट आता है। तो अभी हम अनलॉक टूल को ओपन कर लेते हैं और आपको हम पूरा दिखा देते हैं। अभी हमारा अनलॉक टूल ओपन हो चुका है, इसमें हम आपको दिखाएंगे कौन कौन से मॉडल हैं। यहाँ देख सकते हैं होम स्क्रीन पे ही 11/6/2022 की अपडेट में आपको मॉडल दिखाई दे रहा है, ओप्पो A53 2020 CPH 2127 टेस्टेड है, ओप्पो A74 2021 CPH 2219 टेस्टेड है, ओप्पो F19 2021 CPH 2219 F19 ये भी टेस्टेड है, इन लोगों ने इसको टेस्टेड कर रखा है। बाकी यहाँ मॉडल देख सकते हैं F17, F19S, ओप्पो A33, ओप्पो A32, ओप्पो A73, Reno 6, Realme 7i। तो ये कैसे करना है हम आपको बताते हैं। ओप्पो वाले ऑप्शन में आपको जाना है, यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ लिखना है, सबसे पहले जैसे आपको ओप्पो A53 करना है, ओप्पो A53 के लिए A53 लिखना है। तो देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले ही आ चुका है ये वाला ओप्पो A53 2020, ठीक है, ये वही वाला है। और A53 वगैरह ये जो कुछ पहले के हैं सब मीडिया टेक वाले हैं, ये पहले ही थे। और A53 2016 ये तो पहले भी होता था, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और अब दिखाते हैं A74 भी आपको दिखेगा, यहाँ देख सकते हैं इसका स्नैपड्रैगन है 662, ठीक है। F19 भी आपको दिखा देते हैं, F19 2021 ये देख सकते हैं, F19 2021, F19S, ठीक है, ये भी है, दोनों यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम F17, F17 पे हमने क्लिक, F17 यहाँ देख सकते हैं, F17 भी हमारे सामने हाईलाइट हो चुका है। ऐसे ही आप सारे मॉडल टेस्ट कर सकते हैं और A33 आप यहां से आप देख सकते हैं, आप फॉर्मेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रिसेट जिसे कहते हैं, स्क्रीन लॉक लगा हुआ हो, कुछ भी लगा हुआ हो, और आप इरेज FRP भी कर सकते हैं। सेव फॉर्मेट किसी किसी फोन में यूज होता है, जिसको सेव फॉर्मेट हम उसे कहते हैं जिसमें आपका डाटा लॉस नहीं होता, लेकिन हम इसके लिए पूरी गारंटी नहीं देते कि आपका डाटा सेव ही रहेगा। कुछ कुछ फ़ोन में सपोर्ट करता है, कुछ में सपोर्ट नहीं करता। आई होप मेरी ये वीडियो नॉलेजफुल लगी होगी। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, ताकि हमारे वीडियो अपलोड करते सबसे पहले आपको मिल जाए। तो हमारे वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको A53 का लोडर चाहिए, आपको UMT से अनलॉक करना है, तो इस वाली पोस्ट पे आएंगे और इस वाली पोस्ट को ओपन कर लेंगे और सबसे नीचे आएंगे आप स्क्रॉल डाउन करके, और कैसे कैसे करना है उसके लिए वीडियो हमने बनाया हुआ है, ये वीडियो आप देख लेना और यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और इसका पासवर्ड 123 है, पासवर्ड भी हमने दे रखा है, कुछ भी हाइड नहीं रखा है,
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।